हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एन एन के किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ सभी के घरों में बनाई जाने वाली एक रेसिपी है जो सभी के घरों में बनती है वो शेयर करने जा रही हूँ। देखिए कितनी कलरफुल लग रही है। तो ये मैंने ट्राई कलर बनाया हुआ है, आप सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करके बनाएंगे तो ये सभी को बहुत टेस्टी लगेगी। कुछ लोग बोलते हैं मुझे पसंद नहीं है खीर, ये खीर है। देखिए कुछ लोग बोलते हैं मुझे पसंद नहीं है खीर, लेकिन आप अगर मेरे मेथड से बनाएंगे तो खीर जरूर अच्छी लगेगी सबको, बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है। देखिए ये कितनी अच्छी गाढ़ी घर पे बनने वाली ये रेसिपी, देखिए ये स्पून में कैसी बनी, आपको इसी कंसिस्टेंसी में बनाना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। 30 मिनट इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही एक अच्छा डेजर्ट बन के तैयार होने वाला है। तो आइए उसको देखते हैं कैसे बनता है। फ्रेंड्स, खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया है और मैं इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इस कप से 4 कप दूध लिया था जो 1 लीटर हुआ था, 4 कप हुआ था यह मेजरमेंट। और इसी कप से मैंने 1/2 कप राइस लिया है और इस राइस को मैंने धुल लिया है और धुल के यहाँ पे रखा है। और आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, आपको मेजरमेंट के लिए कप की जरूरत नहीं है। आप या तो ग्लास ले सकते हैं, बाउल ले सकते हैं, आपका जितना भी हो उससे 1/2 कप आप उसका, अगर 4 कप है तो आप उसका 1/2 कप ले लीजिए राइस, और ये आपका खीर बहुत अच्छा बनेगा। फ्रेंड्स, मिल्क को हम 1 बॉयल आने तक गर्म करेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये मिल्क बॉयल हो गया है, अब हम मैं इस राइस को इसमें डालती हूँ, लेकिन हमको एक साथ पूरा राइस नहीं डालना है, इस राइस को हमें 3 पार्ट में डालना है। तो आप अंदाज से देख लीजिए कि 3 पार्ट कितना होगा और इसको 3 पार्ट में हमें डालना है। तो देखिए मैं डाल रही हूँ। मैंने राइस डाल दिया है और मैं अब इसको उसको पूरा कुक करना है। राइस को हम पूरा कुक करेंगे तब जाके हम 2nd पार्ट ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आइए चेक करते हैं कि हमारा राइस कुक हो गया है कि नहीं। फ्रेंड्स, चेक करके दिखाती हूँ मैं, देखिए हमारा राइस कुक हो गया है। हमें 2nd पार्ट जो है राइस का वो ऐड करती हूँ। इससे ये होता है कि हमें मिल्क जलाना भी नहीं होता है और हमारा जो खीर तैयार होता है वो बहुत ही अच्छा तैयार होता है। आप इसे ऐसे करके इस मेथड से ट्राई कीजिएगा, देखिएगा बहुत अच्छा तैयार होता है। फ्रेंड्स, हमने जो 2nd टाइम राइस डाला था, देखिए वो भी कुक हो गया है, देखिए कैसे कुक हो गया। अब हम जो बचा हुआ सारा राइस है उसे ऐड कर देते हैं और साथ में ही मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसको कुक करना है। फ्रेंड्स, हमको खीर को बीच बीच में चलाते रहना चाहिए, नहीं तो क्या है ये बॉटम में पकड़ लेगा तो फिर इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसके लिए हमें चलाते रहना चाहिए। देखिए कैसी कंसिस्टेंसी हो गई है। और 3 बार चावल डालने का मतलब ये होता है कि हमें एक्स्ट्रा दूध को जलाना नहीं होता है और ऊपर से जो पहले के चावल होते हैं वो ज़्यादा ही गल जाते हैं और वो दूध में अच्छी तरह से मिक्स होते हैं। अभी ये बनने में थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन ये इसका प्रोसेस ऐसे करने से हमारा खीर जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। फ्रेंड, देखिए हमारा खीर कितना ये गाढ़ा हो गया है और हमारा मिल्क भी रिड्यूस हो गया है। देखिए मैंने इसमें केसर नहीं डाला है, आपको चाहिए तो केसर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसको कलर डालना है, फूड कलर डालना है, ट्राई कलर बनाना है, इसके लिए मैंने इसमें केसर नहीं डाला है। अब मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, कंडेंस्ड मिल्क डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं 200 ml कंडेंस्ड मिल्क यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क यूज किया है इसलिए इसमें शुगर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क में इतना स्वीट होता है कि हमारा खीर अच्छा स्वीट हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। इसके लिए इसमें एक्स्ट्रा शुगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कंडेंस्ड मिल्क कैसे बनाते हैं ये मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रख दूंगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, ये होममेड कंडेंस्ड मिल्क है। फ्रेंड्स, देखिए हमारा खीर ये हो गया है, मैं फ्लेम ऑफ कर दी हूँ और मैं इसको स्टैंड पे लेती हूँ। अब मुझे इसमें कलर ऐड करना है।
फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें ग्रीन फूड कलर मिक्स किया है और इसमें मैंने ऑरेंज कर लिया है ऑलरेडी। फ्रेंड्स मैं अब इसमें ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर ले रही हूँ। देखिए ये ड्राई कलर हमारा खीर कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत टेस्टी होगा ही। फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए मेरे मेथड से और प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसे बना है और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे आती रहे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।